हेलो स्टूडेंट्स, बच्चों कई दिन हो गए हम आपको कुछ न कुछ किसी न किसी चैप्टर के एमसीक्यू करते हैं, करके दिखाते हैं, उनके इम्पोर्टेंस बताते हैं, कैसे होंगे ये बात बताते हैं। हमने ऑलमोस्ट सभी चैप्टर्स के एमसीक्यू आपको बताए हैं कि किस टाइप से वो अटेम्प्ट करने हैं आपने। आज की वीडियो कुछ स्पेशल इसलिए है कि इसमें एक चैप्टर नहीं इन्वॉल्व होगा, एक से ज्यादा चैप्टर इन्वॉल्व होंगे। वो चैप्टर जिनको कि मैंने पिछले दो एक दिन में अपलोड कर दिया, दो तीन दिन में, हो सकता है कि उनका क्वेश्चन मैं इस वीडियो में ना डालूं। अदरवाइज फर्स्ट टर्म के जो भी चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1, 2, 3, उसके बाद चैप्टर 6, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इंट्रोडक्शन टू द ट्रिग्नोमेट्री, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, और उसके बाद प्रोबेबिलिटी, है ना। तो मेरे ख्याल में कोई सभी चैप्टर छूटा हुआ नहीं है, तो मैं कुछ आज स्पेशल जो हो सकता है कि मेरे से कहीं छूट गए हों, जिनको मैंने नहीं बताया हो, कराने की कोशिश इस वीडियो में करूंगा, इसलिए आप इसको जरूर देखें, इसको आप जरूर देखें, ये आपको एग्जाम में हेल्पफुल होगी। ऐसे मैं और भी बहुत सारी वीडियो डालूंगा, लेकिन फिलहाल मैं पहले आप इसको देखें, ठीक है। और जब भी हमारा फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा, उससे पहले मैं इन हर एक चैप्टर की फिर से कई कई वीडियो अपलोड कर दूंगा। कंसेप्ट आना हर स्टूडेंट को बहुत जरूरी है, बिना कंसेप्ट के एमसीक्यू कभी भी नहीं होगा। ट्रिक बताते हैं लोग, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, बच्चों हर क्वेश्चन की अलग ट्रिक, कितनी ट्रिक आप लर्न करोगे, इसलिए कंसेप्चुअल होना बहुत जरूरी है। आप कंसेप्ट जरूर पकड़े, अगर कंसेप्ट आपको आता होगा तो आप क्लास 10 बहुत सिंपल सी क्लास है, आगे की कम्पिटिटिव एग्जाम तक के लिए वो कंसेप्ट आपको हेल्प करे करता रहेगा। लेट अस सी सम एमसीक्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द चैप्टर 1, देन नेक्स्ट चैप्टर, ओके। तो मैंने पहले फर्स्ट चैप्टर में थोड़ा सा आपको हम बताते हैं कि क्या क्या था हमारे फर्स्ट चैप्टर में। चैप्टर फर्स्ट में बच्चों सबसे पहले इक्विलेट्स डिवीजन लेमा था, वो इक्विलेट्स डिवीजन लेमा डिलीट कर दिया गया। उस इक्विलेट्स डिवीजन लेमा से क्या फाइंड आउट करते थे, एचसीएफ फाइंड आउट करते थे। तो बच्चों इसने एचसीएफ इक्विलेट्स डिवीजन लेमा से ही तो डिलीट कर दिया, अदरवाइज तो एचसीएफ कहीं ना कहीं आता रहेगा, किसी न किसी फॉर्म में आता रहेगा एचसीएफ, है ना। तो एचसीएफ के बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए। दूसरा है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक सिलेबस में है, क्या कहा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक में कि किसी भी कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स किए जा सकते हैं, वो प्राइम फैक्टर्स यूनिक होंगे, उनका ऑर्डर जो होगा वो रिगार्डलेस यानी ऑर्डर कहीं पर भी चेंज हो सकता है, ऐसा हमने पहले आपको बताया है, ठीक है ना। तो उससे जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, उससे एचसीएफ भी निकाला जा सकता है और एलसीएम भी निकाला जा सकता है। फिर हम क्या करते हैं कि एक फार्मूला तैयार करते हैं कि एचसीएफ मल्टीप्लाइड बाई एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है ना। तो इस तरीके का ये फार्मूला है फंडामेंटल एचसीएफ और एलसीएम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक से हम कैसे निकालते रहे हैं ये पहले की वीडियोज में आप देखेंगे। तो हम इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराते हैं आपको, और फिर एक आध क्वेश्चन हम आपको करने के लिए दे देंगे। यहाँ पे हमने लिखा कि क्वेश्चन एचसीएफ,
ऑफ ए एंड बी, ये दो नंबर्स हैं, इज 12 एंड ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 100, देन एलसीएम, देन एलसीएम ऑफ ए इज इक्वल टू, क्या ऑप्शन इसने दे रखे हैं मुझे कि 3600, बी में दे रखा है 900, सी में दे रखा है 150 और डी दे रखा है कितना 90। तो अब आप ये उम्मीद करें कि मैंने ये फार्मूला बताया, ये सी एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू 12, मतलब हमारे ए और बी दो नंबर्स हैं, कोई से भी वो नंबर होंगे, वो नंबर्स का ए सी एफ 12 दे रखा, तो यहाँ मैं 12 रख लूँगा। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर ये पुट कर दूंगा, एलसीएम फाइंड आउट करवा रहा है, तो इस तरीके से क्या आ जाएगा, एलसीएम फाइंड आउट हो जाएगा। तो मुझे कोई पेपर में जब भी मुझे एमसीक्यू दे रखा हो तो ये फार्मूला इस तरीके से लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको इससे डिवाइड कर दूंगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। 1800 और डिवाइडेड बाई क्या लिख लिया मैंने 12, तो इसको इससे डिवाइड कर दिया, 12 बन जा 12, ये 1800 है ना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो इसलिए ये लिख लिया और 5 आ गया 60 और 0, तो यहाँ पर कहीं ये है और ये 150 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन हमने लिख दिया है यहाँ पर, जो कि बच्चों क्या है कि कुछ हम करेंगे और कुछ आपके लिए छोड़ेंगे। ये पी इज प्राइम जो दो प्राइम नंबर्स का हमेशा एचसीएफ 1 के इक्वल होता है, फिर से सुन लो, दो प्राइम नंबर का एचसीएफ हमेशा 1 के बराबर होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देन एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ पी एंड पी प्लस 1 बिल बी या इज लिख दिया, क्या क्या ऑप्शंस दे रखे हैं कि एच सी एफ इज इक्वल टू पी, एल सी एम इज इक्वल टू पी प्लस 1, बी ऑप्शन दे रखा है कि एच सी एफ इज इक्वल टू पी पी प्लस 1 और एल सी एम इज इक्वल टू 1, और फिर सी ऑप्शन दे रखा है कि एच सी एफ इज इक्वल टू 1 और एल सी एम इज इक्वल टू पी और पी प्लस, ठीक है, और डी क्या दे रखा है, नन। तो अभी हमने एक सेंटेंस बोला था कि दो प्राइम नंबर्स का एचसीएफ हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के बराबर होता है, इसने कहा पी इज ए प्राइम, पी क्या है, पी एक प्राइम नंबर है, ठीक है, एंड एचसीएफ एंड एलसीएम पी एंड पी प्लस 1, मतलब इसके नेक्स्ट वाला ये नंबर है, तो यहाँ पी प्लस बनाना, तो दो लगातार नंबर्स जो होंगे उनका हमेशा क्या होगा कि अब जैसे उनका ए सी एफ हमेशा किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा, अभी 2-3 ले लिया, 3-4 लिख लिया, 5-6 लिख लिया, अब कोई सिर्फ दो नंबर ले लिया, और एल सी एम क्या होगा, तो उन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये थोड़ा रिवर्स में लिखा हुआ है, तो आप जल्दबाजी में बिल्कुल भी नहीं रहे, ये ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। फिर बच्चों एक और क्वेश्चन लिखते हैं इस चैप्टर से, कि उस टाइप का क्वेश्चन पेपर में आता ही आता रहा है, हो सकता है कि आपको जो पेपर आने वाला हो उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन हो, तो बताते हैं, हम जब हमने एनसीईआरटी बुक से क्वेश्चन कराए थे तो हमने बताया था कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करना है, तो यहाँ से भी देखते हैं और करते हैं। यहाँ लिखा आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस, ये क्वेश्चन है कि आफ्टर हाउ मेनी प्लेसेस द डेसिमल फॉर्म ऑफ 125 डिवाइडेड बाई 2 raised to the power 4, 5 raised to the power 5 वो 3 विल टर्मिनेट, ठीक है।
तो यहाँ पर ए ऑप्शन में दे रखा है थ्री प्लेसेस, बी में दे रखा है फोर प्लेसेस, डी में दे रखा, सी में दे रखा है टू प्लेसेस और डी में दे रखा है नन। ठीक है, नन वाला ऑप्शन बहुत कम ही सही हुआ करता है। तो बच्चों देखो, इसमें कुछ भी नहीं करना। आपको क्या बताया था कि कोई भी नंबर, पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि वो कब टर्मिनेटिंग होगा। तो टर्मिनेटिंग जब डिनोमिनेटर जो है वो किसके किस फॉर्म में होगा, कि 2 raised to the power m मल्टीप्लाइड बाई 5 raised to the power n के फॉर्म में है तो वो टर्मिनेट होगा, अदरवाइज वो टर्मिनेट होगा ही नहीं। तो अब अगर हम इस क्वेश्चन को करें, 2 की पावर 4 कितना हो गया मेरा 16, 5 की पावर 3 125, उसका मल्टीप्लाई फिर डिवाइड करें, तो ये तो बहुत देर तक चलेगा, क्वेश्चन होगा एक नंबर का, बहुत छोटा सा। तो जब हम इस चैप्टर को कर रहे थे तो क्या था कि हमने बताया था कि ये कैसे होता है। तो बच्चों हम नीचे क्या होता है कि हम मतलब 10 के मल्टीपल में लाना चाहते हैं, तो 10 के मल्टीपल में यहाँ पावर 4 है, यहाँ 5 की पावर 3 है। तो देखो थोड़ा सा हिंट हम आपको देते हैं कि 2 की पावर 4 × 5 की पावर 3 × 5 अगर लिख दें तो 5 एक ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना बन जाएगा 625 हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 × 5 की पावर 4, तो ये क्या बन गया मेरा 625 और 2 × 5 की पावर 4। अब 2 × 5 की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो 10 की पावर 4। तो मतलब क्या होगा कि जितनी भी ये पावर आ जाएगी उतने के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ये ऑप्शन बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में होता है, तो उसको आप इसको इस टाइप के क्वेश्चन भी आपने करने हैं और ध्यान में रखने हैं। ठीक है, ये असर्शन एंड रीजनिंग हमने नहीं कराया, तो आगे कभी किसी वीडियो में हम कराएंगे आपको, क्योंकि जब आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होने वाला होगा उससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन इस टाइप के कराएंगे आपको। ठीक है, आगे देखते हैं चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कि पॉलिनोमियल जो है बहुत बढ़िया चैप्टर है, थोड़ा सा समझते हैं उसको कि नंबर ऑफ जीरोज, वैल्यूज ऑफ द जीरोज, सम ऑफ द जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज, फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल, डिवीजन एल्गो, ये सब बहुत डिटेल्ड में है कि पैराबोला क्या होता है, कब बनेगा, कैसे बनेगा। अगर ये आपको देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पीछे जा कर के वीडियो देखें। और बच्चों इसमें मैंने MCQ भी डाल रखा है पॉलिनोमियल का, ऐसा नहीं कि पॉलिनोमियल का वीडियो नहीं डाला है, पॉलिनोमियल के MCQ का भी वीडियो डाल रखा है। बट आफ्टर दैट वी हैव डन 2 or 3 क्वेश्चंस ऑफ द पॉलिनोमियल्स। ठीक है, जिस किसी को भी पता करना है, बिल्कुल भी नहीं जानकारी है, तो उसको पहले कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, और कंसेप्ट एक वीडियो में बहुत सारी बातें नहीं बताई जा सकती हैं। मान लो कि हमने क्वेश्चन लिखा क्या है कि ए 2 इज ए जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, इज ए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल fx = ax² - 3a - 1x - 1, then value of a, then value of a। a की वैल्यू निकालनी है बच्चों, क्या लिखा है कि a = 0, b = 2, c = 5/2 और d = 1/2, ये दे रखा है। तो देखो क्या करना है कि 2 is a 0, जीरो आपको बताया हमने पहले कि व्हाट इज जीरो, भाई जीरो इज द सॉल्यूशन, आंसर होता है जो भी हमें पॉलिनोमियल दे रखा है उसकी वेरिएबल की वैल्यू होती है। तो इसने क्या लिखा, 2 is a 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, तो इसमें 2 पुट कर दो। जीरो क्यों कहते हैं, क्योंकि वो पुट करने पर ये 0 के इक्वल होता है, तो जहाँ कहीं पर भी x है वहाँ पर 2 पुट कर दो, तो हमारा एक वेरिएबल रह जाएगा, वो वेरिएबल क्या होगा, a होगा।
टू माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो ये फोर ए हो गया, यहाँ पर क्या हो गया माइनस थ्री ए प्लस का थ्री, और ये टू भी है यहाँ पर, तो टू थ्री या सिक्स, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर टू लिख लिया माइनस का वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये बहुत आसान सा काम है, माइनस भी आएगा यहाँ पर, इस माइनस से मैंने इसको मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि ये ऐसा हो गया, और ठीक है यहाँ पे प्लस लगाया, यहाँ पर ऐसा कर दिया, अब ये ठीक है। तो टू थ्री या सिक्स है, और कितना बन जाएगा ये टू थ्री या सिक्स माइनस का वन, इसको आपने क्या करना है कि सिंप्लीफाई कर देना, माइनस का टू ए, और इस साइड क्या आ गया ये फाइव प्लस का, तो इस साइड जा करके ये माइनस का फाइव हो गया, ए इज इक्वल टू फाइव बाई टू, तो ये ऑप्शन क्या होगा करेक्ट होगा। तो बच्चों बहुत हौचपोच नहीं मचाना है, जितना भी एमसीक्यू करना है हमने वो बहुत तसल्ली से करना, बहुत आराम से करना है, ठीक है ना। एक आध और देख लेते हैं इस टाइप का क्वेश्चन इसमें, और देख क्या लेते हैं, आप भी कोशिश करेंगे, जितनी आप कोशिश करेंगे उतना ही बेनिफिट होगा आपको, हम करते रहेंगे कोई भी बेनिफिट नहीं, बस आप देखते रहेंगे कि हाँ ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे हो जाता, ये ऐसे इस तरीके से हो जाता है। तो इतने सारे चैप्टर्स हमने वन बाई वन सारे रिवाइज कराए हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा कम, यहाँ हमने ये क्वेश्चन लिखा है एक और कि ए टू एंड थ्री आर जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल थ्री एक्स स्क्वायर माइनस टू के एक्स प्लस टू एम, देन द वैल्यू ऑफ के, देन वैल्यू ऑफ के एंड एम आर, इन दोनों की क्या वैल्यू है। ए ऑप्शन में दे रखा है कि एम इज इक्वल टू नाइन बाई टू और k इज इक्वल टू 15, बी ऑप्शन में हमें दे रखा है कि m इज इक्वल टू 15 बाई टू एंड k इज इक्वल टू 9, ठीक है। सी ऑप्शन में हमें क्या दे रखा है कि m इज इक्वल टू 9 k इज इक्वल टू 15 बाई टू, और डी ऑप्शन दे रखा है कि m इज इक्वल टू 15 एंड k इज इक्वल टू 9, ये दे रखा है, ठीक है। इफ टू एंड थ्री आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये दोनों जीरोज हैं बच्चों, तो जैसे पहले वाले क्वेश्चन में जैसे वहाँ एक जीरोज टू दे रखा था, मुझे ध्यान है तो टू रखा ही था इसमें, तो ऐसे ही एक बार टू रख दो इक्वल टू जीरो लगा दिया, मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया कि चल ऐसे लिख दिया पी टू इज इक्वल टू जीरो, तो इसमें एक्स की जगह पे क्या रखोगे टू रखोगे, तो थ्री आ गया, टू का स्क्वायर माइनस टू के इंटू टू प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो, तो इससे एक इक्वेशन बन जाएगी जिसमें दो वेरिएबल होंगे के और एम, तो दो वेरिएबल की इक्वेशन हम किसी भी मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, फोर थ्री या ट्वेल्व और माइनस का फोर के प्लस का टू एम इज इक्वल टू जीरो, माइनस फोर के प्लस टू एम इज इक्वल टू माइनस ट्वेल्व, तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है माइनस टू एम इज इक्वल टू ट्वेल्व, या इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता माइनस, ठीक है। अब जिसे मैंने ये टू रखा ऐसे ही अब इसमें थ्री भी रखा जा सकता है, तो क्या लिख लूँगा मैं पी थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ रखा तो क्या आ गया ये थ्री थ्री का स्क्वायर माइनस टू के इंटू थ्री प्लस टू एम इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी, उन दोनों को सिंप्लीफाई कर लोगे इनमें से क्या होगा कि कोई वैल्यू आ जाएगी। तो मेरा मेन काम क्या है कि मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन किस टाइप का होगा और उसको कैसे करना है आपने, ठीक है ना। लेट अस सी वन मोर क्वेश्चन ऑफ द सेम चैप्टर, एक और तरीके का क्वेश्चन, यानी पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, लिखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा, जो क्वेश्चन है कि इफ
जीरोज, अल्फा एंड बीटा, अल्फा एंड बीटा ऑफ ए पॉलिनोमियल, ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स का स्क्वायर माइनस सेवन एक्स प्लस के आर सच दैट अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू वन, देन वैल्यू ऑफ के, देन वैल्यू ऑफ के ए इज इक्वल टू 21, बी इज इक्वल टू 12, सी इज इक्वल टू दे रखा है 9 और डी इज इक्वल टू 8 दे रखा है। ठीक है, तो देखो बच्चों ये मैंने क्यों लिखा जानबूझ करके, भाई इसमें अल्फा माइनस बीटा दे रखा है तो व्हाट इज अल्फा प्लस बीटा, व्हाट इज अल्फा बीटा, है ना भाई। हमारे पास मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो यहाँ से सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए के इक्वल होता है, ये तो होता है। तो अब अल्फा प्लस बीटा इससे निकाला जा सकता है, अल्फा माइनस बीटा इससे निकाला जा सकता है, वो दे रखा है मुझे, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या दे रखा है, माइनस बी, तो माइनस सेवन और एक और माइनस, ये वाला माइनस और ये माइनस मिलके प्लस हो गए, तो प्लस सेवन बाई वन हो गया, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया मेरा, सेवन के इक्वल, अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दे रखा है मुझे, वन के बराबर दे रखा है। यहाँ से क्या हो जाएगा कि अल्फा मुझे क्या चाहिए भाई, अल्फा और बीटा की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अल्फा और बीटा की जब वैल्यू आ जाएगी तो लेकिन बच्चों मुझे तो के की वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, के की वैल्यू चाहिए, जो कि मैंने अब देख पाया कि के की वैल्यू मुझे चाहिए। तो देखो बच्चों अब इसमें तो के आया ही नहीं, कोई बात नहीं, मुझे यहाँ से अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, टू अल्फा इज इक्वल टू सिक्स भाई सम कर दिया सॉरी 8 आएगा, तो अल्फा इज इक्वल टू 4, तो बीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 पुट करोगे तो बीटा इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मुझे के की वैल्यू चाहिए, तो देखो आप अल्फा बीटा इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, सी बाई ए, सी की जगह कितना दे रखा है, के दे रखा है, अल्फा बीटा की वैल्यू आपको मालूम है के के 3 है, के 4 है, दोनों का प्रोडक्ट के के, तो 12 वाला क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होगा, हो सकता है कि कोई आपको बताया था कि ऐसा ग्राफ बना होता है तो एक्स एक्सिस को कोई कर्व कितनी किस किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, तो जितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती नंबर ऑफ सॉल्यूशंस उतने ही होते हैं, जैसे इसमें 2 सॉल्यूशंस होंगे, अगर इनकी वैल्यू दे रखी है तो हो सकता है वो आपसे वैल्यू भी पूछ सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द जीरो, तो जो भी वैल्यू एक्स एक्सिस पे यहाँ पर होगी वो वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, तो अच्छा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर अल्फा प्लस भी अल्फा बीटा आपको गिवन है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने का क्या फार्मूला होता है ये पी। ठीक है, इसमें इधर मैं के और लगा सकता हूँ, के ये स्केलर। ठीक है, अच्छा अब अगर एक जीरो मान लो कि इस तरीके दे रखा है कि 2+√3, तो दूसरा जीरो हमेशा बच्चों क्या होगा, 2-√3 ही होगा, 2-√3 के इक्वल होगा। ओके, तो कुछ हो सकता है कि चैप्टर सेकेंड से इस टाइप का क्वेश्चंस हो, और आगे देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा वो है, ये एक छोटा थोड़ा सा गैप कि किस टाइप का क्वेश्चन इन पहले वाले दोनों चैप्टर से हो सकता है। अब आते हैं चैप्टर 3 पर। चैप्टर 3 में कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन कंपलसरी हैं, तो मैं आपको वो कंडीशन बताऊंगा कि कंसिस्टेंस, इनकंसिस्टेंस और डिपेंडेंट यानी कोइंसिडेंट। ठीक है ना, उनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन कंपलसरी है, आना ही आना होगा, और एक बर्ड प्रॉब्लम होगी। तो बर्ड प्रॉब्लम है बहुत सारे, तो इतने बर्ड प्रॉब्लम नहीं किए जा सकते हैं, और एक नंबर का क्वेश्चन अगर बर्ड प्रॉब्लम में है तो वो बर्ड प्रॉब्लम जो है होगा क्या होगा कि बहुत आसान सा बर्ड प्रॉब्लम होना चाहिए। अब असर्शन और रीजनिंग में या फिर हमारा केस स्टडी में जो क्वेश्चन दे रखा है वो भी हो सकता है कि चैप्टर से हो,
ठीक है, तो वो ज़्यादा मार्क्स का होगा क्योंकि बड़ा सा क्वेश्चन होगा, उसमें कुछ एमसीक्यू दे रखे होंगे, ओके, उससे कुछ क्वेश्चन निकाल के दे रखे होंगे। तो देखो कंडीशंस ऑफ कंसिस्टेंसी क्या है, पहले हमने लिखा कंसिस्टेंस, कंसिस्टेंस में क्या होता था, ध्यान होगा कि ए वन अपन ए टू इज नॉट इक्वल टू बी वन अपन बी टू, लाइनें दोनों एक दूसरे को क्या करती थी, इंटरसेक्ट करती थी। दूसरा क्या था, इनकंसिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पर क्या था, ए वन अपन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपन में सी टू, लाइनें कैसी हुआ करती थी, पैरेलल होती थी, इसलिए इसमें नो सोल्यूशन था, इसमें यूनिक सोल्यूशन था। तीसरे वाले क्या था, कोइंसिडेंस या डिपेंडेंट या सो मैनी सोल्यूशन या इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन, ए वन अपन ए टू वी वन अपन बी टू सी वन अपन में सी टू, लाइनें एक दूसरे के ऊपर क्या करती थी कि ओवरलैप किया करती थी, ठीक है। तो हर पॉइंट पर इसका आंसर हुआ करता था, तो सो मैनी सोल्यूशंस हुआ करते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्या है कि एक क्वेश्चन लिख लेते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन होगा, और व्हाट विल यू ऑफ विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव द इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। तो बच्चों बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत वैरायटी के क्वेश्चंस हैं इसके अंदर, तो उनमें से कौन सा इम्पोर्टेंट ये बताना मुश्किल। ग्राफ भी है इसके अंदर, ग्राफ भी हो सकता है, ग्राफ में किस किस टाइप का ग्राफ हो सकता है, ये जब मैंने आपको पहले कराया था ये चैप्टर तो बहुत डिटेल में बताया, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लिखते हैं इस चैप्टर से, ये मैंने लिखा कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ, हमारी एनसीईआरटी बुक में भी दे रखे हैं लेकिन मैं बहुत थोड़ा बहुत कम क्वेश्चन दे रखे हैं, विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैव द इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, आई हैव इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशंस, ठीक है। ये में क्या दे रखा है कि 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4 और k प्लस 2, यहाँ पर क्या लिखा है, x प्लस 6y इज इक्वल टू 3k प्लस करते हैं, यहाँ पर a इज इक्वल टू 1 b इज इक्वल टू 2 c इज इक्वल टू 3 d इज इक्वल टू 4 दे रखा है। तो बच्चों देखो हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ टू वेरिएबल्स होता है वो ध्यान होगा ए वन एक्स बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू 0 या सी वन उधर भी ले जाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इनसे कंपेयर कर दें हम इसको, तो ये हमें क्या चाहिए फॉर इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन की ए वन अपॉन ए टू इज इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू इज इक्वल टू सी वन अपॉन में सी टू, ये कंडीशन हो गई, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं कि ए वन टू हो गया, ये के वाई के प्लस का टू हो गया, बी वन की वैल्यू कितनी हो गई 3 है, बी टू की वैल्यू कितनी है 6 है, क्रॉस कर दो यहाँ पर 3 टू जा आ गया, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो के प्लस टू इज इक्वल टू 4 के इज इक्वल टू क्या जाएगा 2, तो ये वाला इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये तो था किसके लिए, इनफाइनाइटली, या ये लिख सकता है कोइंसिडेंस या क्या लिख सकता है, सो वो हमारा ये इनफाइनाइटली तो लिखा ही हुआ है, और आगे दो तीन नाम है डिपेंडेंट लिख सकता, तो इस तरीके से अलग अलग नाम से ये इस क्वेश्चन को हमें दे सकता है, ठीक है। अच्छा एक थोड़ा सा अलग सा क्वेश्चन लिख देते हैं, है बहुत आसान सा, लेकिन आप उसको क्या करेंगे ट्राई करेंगे, और फिर हम इस पहले पार्ट में इतना ही कराएंगे, फिर आगे का भी फ्यूचर में कराएंगे। इससे ये हमने लिखा कि द पेयर ऑफ इक्वेशंस, ये क्वेश्चन है, द पेयर ऑफ इक्वेशंस
और अजीब सी कुछ इक्वेशंस लिख रखे हैं, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 81, और दूसरा मुझे क्या दे रखा है 81 एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3 हैज ए नो सोल्यूशन, ठीक है, बी यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, सी इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशंस, और डी है हमारा एक्स इज इक्वल टू 2/8 और वाई इज इक्वल टू 7/8, ठीक है, ये जो है हमें दे रखा। अब देखो बच्चों ऐसी इक्वेशन आपने पढ़ी नहीं, पहले क्या था क्लास टेंथ में इस टाइप की इक्वेशंस हुआ करते थे। तो यहाँ पर 81 को मैं क्या लिख सकता हूँ कि 81 के फैक्टर कर दूँ तो 3 की पावर 4 आ जाएगी, तो इस 81 को 3 की पावर 4 लिखा जा सकता। यहाँ पर क्या लिखा जा सकता है कि 3 की पावर 4 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, इसकी पावर 1 हो गई, इसकी 4, तो हमारे पास दो इक्वेशन क्या बन गई, 4 और 4 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ठीक है, 3 नहीं यहाँ पर ये पावर आ गया, इसकी पावर यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 1 आएगा, इसकी पावर 1 होगी, ठीक है। तो अब ये दो इक्वेशंस हमारे पास बन जाएंगी, इससे हम एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पर पुट करके देखेंगे क्या होगा, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये इस टाइप से क्वेश्चंस होंगे और कुछ वर्ड प्रॉब्लम भी होंगे, लेकिन वो अब हम इसमें नहीं बताएंगे, आप इन पर ध्यान देंगे, इनको ज़रूर करके देखेंगे, और चैप्टर फिर हम कह रहे हैं कि जब तक आप कंसेप्ट नहीं आएगा तब तक MCQ नहीं आएगा आपको, ओके। तो ये उम्मीद है कि वीडियो पसंद आएगी आपको, क्वेश्चन से आपको बेनिफिट होगा, इसलिए आप ज़रूर देखें, और जब भी वीडियो देखें पूरी देखें, ऐसा नहीं कि जब हम उसमें कुछ बताना शुरू करें बीच बीच में आप देख लें, कोई फ़ायदा नहीं उससे होगा, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा सब्सक्राइब कर लें, और बच्चों मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेता हूँ जिसका कि डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।